पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध को छोड़ के कोई भी भगवान नहीं है। बाकी सब जो भी हो सकते हैं, गॉड हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं या मोहम्मद हो सकते हैं, मगर भगवान जो शब्द है वो सिर्फ भगवान बुद्ध के साथ ही माना जाता है और वही सच में भगवान है। इसको जानने के लिए आपको पुरानी भाषा पाली में जाना पड़ेगा, जो संस्कृत से भी ज़्यादा पुरानी है। संस्कृत का मतलब होता है संस्कृताइज की हुई, बनाई हुई, जिसको मॉडिफाइड किया जाता है। ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जिनको संस्कृत बोला जाता है पूरी दुनिया में। पाली भाषा का मतलब है जो बच्चा शुरू में ए आई यू बोलता है उसको प्राकृतिक बोलते हैं, जो अपने आप पैदा होती है। प्राकृतिक भाषा के अंदर, पाली भाषा के अंदर जो बुद्ध की भाषा थी उसके अंदर उन्होंने साफ बताया है तीन बातें हैं जिनसे पता चलता है कि भगवान उनको क्यों बोलते हैं। भगवान का मतलब है भग्नवान। भग्नवान का मतलब है कि जिसने कुछ भग्न किया हो, और भग्न का मतलब पाली में होता है किसी चीज़ को तोड़ना, विखंडित करना या घोलना। जैसे आप पानी में चीनी को घोल देते हैं तो पानी में चीनी भग्न हो गई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को जब वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से आए, 6 साल तक जब वो सारे स्कूलों में पढ़े, जितने भी स्कूल वहाँ थे, और सारी उन्होंने जो एजुकेशन थी वो विद्या थी वो सीखी। उसके बाद उन्होंने अपने टीचर से कहा कि भाई हमारा दुख तो दूर हुआ नहीं, हम तो यहाँ दुख दूर करने आए थे और ये सीखने आए थे कि दुख कैसे होता है और दुख कहाँ से आता है। तो उनके टीचर ने कहा कि भाई हमारे पास तो सिद्धार्थ गौतम बस यही एक शिक्षा है, बाकी हमारे पास इससे दुनिया में और कोई शिक्षा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं खुद ही इसको ढूंढूंगा, और वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने सारी विद्याएं जो सीखी वो अपनी खुद पैदा की, और वो मन के रास्ते अपने शरीर में चले गए। मन के रास्ते शरीर में कैसे चले गए, जैसे पेट में दर्द होता है, तो पेट में दर्द होता है तो कहीं कोई टेलीफोन थोड़ी करता है कि भाई आपके पेट में दर्द है। हमारे ही पेट में से तरंगे निकलती हैं और वो ऊपर जाके बताती हैं कि पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है या भूख लगती है। तो उन्होंने देखा कि भाई सारा सिस्टम तो शरीर के अंदर है, तो दुख भी शरीर में जाता है और शरीर से आता है। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि जैसे मान लो मेरा कहीं 1000 का नोट खो गया और 1000 का नोट खोते ही मुझे दुख हो जाए। मुझे दुख जब होता है जब कोई ये कहता है कि आपका 1000 का नोट वहाँ गिरा हुआ है, कोई लेके भाग गया, या मैं शाम को जाके घर देखता हूँ कि भाई 1000 का नोट था वो कहाँ गया, तब दुख शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि 1000 का नोट खोने से अगर मुझे पता नहीं चला तो दुख नहीं होगा। पता चलने के बाद, उन्होंने कहा पता चलने के बाद हुआ क्या, पता चलने के बाद जैसे ही मेरे शरीर के अंदर ये बात गई तो मुझे दुख हुआ। या 1000 का नोट पड़ा हुआ पा जाए, तो करीब 1000 का नोट पड़ा हुआ पा गया तो हुआ क्या, नोट पाया, कागजी तो पाया, मगर उससे अच्छा क्यों लगा। तो ये बात वो समझते समझते उन्होंने अपने शरीर के टुकड़े करने शुरू किए मन से अंदर ही अंदर, और वो करते 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 बहुत बारीक होते होते उन्होंने अपने छोटे छोटे खून की जो बूंदें थी वो देखी, सेल देखे, ये हवा कैसे अंदर जा रही है ये देखी, हवा कैसे बाहर आती है ये देखी, ये हवा सेल के अंदर पूरी बॉडी में कैसे काम करती है ये देखी। फिर उन्होंने देखा कि जब किसी ने मुझे दुख वाले शब्द कहे तो वो शरीर के अंदर गए तो काम कैसे किया। उन्होंने सारा खोलते खोलते वो अणु देखा और अणु के बाद में परमाणु देखा। फिर उन्होंने देखा सारा शरीर खोल लिया तो देखा तरंगे तरंगे हैं। तब उन्होंने देखा कि दुख कैसे आता है कैसे जाता है। तो उन्होंने अपने शरीर की अवस्था को भग्न किया और फिर अपने दुखों को भग्न किया। भग्न का मतलब है बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। और उन्होंने अपने जो राग थे, राग का मतलब जो हमें चीज़ चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए, ये खाना हमें चाहिए, ये पानी हमें चाहिए, पैसा हमें चाहिए, वो सब चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी। फिर उन्होंने अपने दुख ख़त्म कर दिए। दुख का मतलब जैसे मुझे मत मारना, मुझे मत काटना, मेरा ये मत छीनना, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पढ़े, या मुझे ये चीज़ क्या बोलते नहीं चाहिए, या ये खाना बेकार है उसका स्वाद नहीं है, वो सारी चीज़ भी उन्होंने ख़त्म कर दी। फिर उन्होंने मोह मूर्ता ख़त्म करी, यानी कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, कभी चाहिए। तो ये चीज़ें ख़त्म करने के बाद में जब वो सारी चीज़ें भग्न कर दी तो उसको बोलते हैं भग्नवान, और भग्नवान को बाद में जाके भगवान बोला। तो भगवान जो बोला शब्द, भगवान सिर्फ उन्हीं के लिए आता है जो तीनों अवस्थाओं को भग्न करते हैं। इसलिए बुद्ध के अलावा ये अवस्था दुनिया में किसी ने प्राप्त नहीं की है, तो वो अकेले भगवान है दुनिया में, अभी तक और कोई नहीं है। हाँ, उनके जो वंशज जो उन्होंने बताए थे, जो 27 बुद्ध और हुए हैं, वो भी भगवान हैं, मगर वो उनसे पहले कहानी है, उनका तो हमें इतना पता है नहीं। तो 27 भगवान वो भी बुद्ध हैं और 28वें ये, तो इसलिए उनको बुद्ध बोला जाता है, भगवान बोला जाता है।